नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता आसिबा संपूर्ण खबर खोले ता पूर्वरु हेडलाइंस राउरकेला एनआईटी समावर्तन उत्सव में जोगदेले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ओडिशा संस्कृति ऐतिह्य को कले प्रशंसा अपराह्न में आईजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करेंगे उद्घाटन बहु वाद विवाद पर फिटिला बाट ब्रह्मपुर मां बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा को अनुमति सूचना देले बीएमसी कमिश्नर अनुमति मिलवा पर भक्तों महल में खुश देश में संगीन होबारे लागिछि कोरोना संक्रमण गत 24 घंटे 43,846 नुआ संक्रमित चिन्हट सेपटे 197 जनक मुंड नीला महामारी राजधानी रे लज्जा थाना परिसर महिला दुष्कर्म अभियोग पुलिस गुहारी न शुणिबारु कमिश्नर द्वारस्थ हेले पीड़िता फेब्रुआरी मासरे घटना घटिथिबा सूचना जमी देवा नारे 8 लाख टंकार ठके अभियोग मालगोदाम थाना लिखित अभियोग कले शिखरपुर युव व्यवसायी श्रीकांत साहू टंका मागिले मालिक देउछि धमक पुलिस तदंत जारी जाजपुर धर्मशाला बेआईन कलापथर खनन मामलें तदंत करे लोकायुक्त 60 दिन भितर रिपोर्ट दाखल करने को लोकायुक्त निर्देश आसंता मे 17 हेब परवर्ती शुणी आखिबुजे ओडिशार प्रथम ओडिशी नृत्यांगना ओडिशी नृत्य गुरु स्वर्गत केलुचरण महापात्र पत्नी लक्ष्मीप्रिया महापात्र परलोक ट्वीट कर शोक प्रकाश कले मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जाजपुर बालीचंद्रपुर थाना अंतर्गत नलीपुर गांव में दुखद घटना विद्युत तार संस्पर्शे आसी मां पुओ मृत विद्युत सर्ट सर्किट जो तीन घर चार्ज होता सूचना एवं अनुगुल संबलपुर जातीय राजपथ में मर्मतुद सड़क दुर्घटना आंबुलांस ग्यास गाड़ी मुहांमुही धक्का घटनास्थल में 4 मृत 3 गुरुतर घटनास्थल में उद्धार कार्य जारी राउरकेला एनआईटी समावर्तन उत्सव में जोगदेले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तेज ओडिशार संस्कृति ऐतिह्य को से प्रशंसा करपराह आईजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उद्घाटन करेंगे राष्ट्रपति राष्ट्रपति निज अभिभाषण रखी कहते कोणार्क कला और विज्ञान अद्भुत मिश्रण ओडिशार संस्कृति और इतिहास समृद्ध स्वाधीनता क्षेत्र में ओडिशार बड़ भूमिका रही शिल्प क्षेत्र में कुमार मंगलम बेला डक्टरेट दिखाई साहित्य पर सीताकांत महापात्र डक्टरेट से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में प्रमोद मिश्र को डक्टरेट निज सफलता को वास्तववादी चिंताधार देखनी जहाँ तुमको भल लगुच से ही क्षेत्र में क्यारिअर कर तुम पर गर्वित कला भम कर तुम लक्ष्य निकट को नेम कर जहाँ राष्ट्रपति निज अभिभाषण से This area of today's Odisha has been immensely rich in history and culture. It has been the cradle of scientific approach since early times. Built about 800 years ago, the Sun Temple at Konark is an example of perfect blend of art and science. I am looking forward to my visit to the temple tomorrow. It is listed among UNESCO's World Heritage Sites in India. Odisha is associated with the rebuilding of a nation after independence. It was here in Raurkela that one of my illustrious predecessors, Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, dedicated to the nation the first blast furnace of a large steel plant in India. As one of the first industrial urban centers in India, the city has kept pace with modernization. As the second largest government-run technology institute in eastern India, NIT Raurkela has made significant contribution to the field of engineering and technology. तो पश्चिमबंग गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कौन अभिभाषण रखुंत नजर पकड़ा शांति स्थापित हुई है और स्थिरता भी आई है कांग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान यहां राइनो को कांग्रेस द्वारा पाले पोसे
शिकारी गिरोहों से कैसे बचाया जाएगा, मुझे बताइए। राइनों को बचाना ये सवाल था कि नहीं था? हम सबकी चिंता का विषय था कि नहीं था? मैं जब जब इस क्षेत्र में आया, इस विषय की चर्चा हुई कि नहीं हुई? यहां भाजपा के एनडीए की सरकार ने राइनों के दुश्मन शिकारियों को जेल के पीछे पहुंचाया है। कांग्रेस जिन अवैध कब्जाधारियों को प्रोत्साहन देती थी, उनसे भी काजीरंगा को मुक्त कर दिया है। साथियों, हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवीय की सुविधा दोनों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है, और इसलिए गोहपुर से नुमालीगढ़ के लिए ब्रह्मपुत्र के ऊपर ब्रिज और बाईपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयास चल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाहाटी के साथ 4 लेन कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। भाई और बहनों, काजीरंगा सहित हमारे तमाम अभयारण्य, हमारे वन क्षेत्र हमारी धरोहर भी है, पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है और रोजी रोटी का साधन भी है। मुझे खुशी है कि बीते 5 साल में असम में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जब असम ज्यादा हरा भरा होता है तो यहां टूरिज्म के लिए, रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। हमारी सरकार की कोशिश है कि भारत दुनिया में प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धरोहरों से जुड़े टूरिज्म से अग्रणी देशों में शामिल हो जाए। असम के पास ये सब कुछ मौजूद है। असम की भाषा, बोली, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, असम के मेले, त्योहार, ये सब हर हिंदुस्तानी का गर्व है, हर हिंदुस्तानी को अभिमान करना चाहिए। ऐसी विरासत आपके पास है। ऐसे में असम दर्शन के तहत 9000 से ज्यादा सत्रों, नामघरों और आस्था से जुड़े दूसरे स्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम भी मैं हृदय से यहां के राज्य सरकार को बधाई देता हूं, भाजपा एनडीए सरकार को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा निर्णय करके यहां की विरासत को उन्होंने शानदार, जानदार बनाने का प्रयास किया है। भाई और बहनों, ये गोलाघाट जिला ये तो असमिया इतिहास और संस्कृति का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। इस क्षेत्र ने स्वर्ग देवत चावलुंग चुकामा और सती साधनी जैसे अनेक प्रेरक विभूतियां हमें दी है। इस मिट्टी ने आयदेव हेदिक और मोहिनी राजकुमारी जी के रूप में असमिया कला के साधक हमें दी है। इस धरती ने बेजा बौरी, कमला मिरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिए। इस तरह ने असम को, भारत को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले देश की महान संतानों में से एक अहम गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन की शौर्य परंपरा हमें दी है। भाई और बहनों, ये अटल जी की एनडीए सरकारी थी जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बोरफुकन जी के नाम से गोल्ड मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ। असम की सरकार ने भी उनके जन्मदिवस को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। साथियों, सिर्फ नाम को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार अपने काम से भी लचित बोरफुकन जी के सपने को पूरा कर रही थी। लचित बोरफुकन जी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्वदेशी थी, आत्मनिर्भर थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी सैन्य ताकत के रूप में उपयोग किया। आज भारत भी सैन्य साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत के आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाई और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग।
लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। आज असम से होकर एक गुवाहाटी बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन से असम के भी अनेक घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी, सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार होगी और उद्योगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो पाएगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्या स्थिति थी ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, कोई बात आपसे छिपी नहीं है। डबल इंजन की सरकार ने इस रिफाइनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित किया है। इतना ही नहीं, 1300 करोड़ रुपए इसमें बायो रिफाइनरी लगाई गई है। यहां बैंबू से और बैंबू वेस्ट से इथेनॉल बनाया जाएगा, इससे यहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, स्थानीय लोगों को लाभ होगा। साथियों, आज असम की ताकत को पहचान कर उससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहां के बैंबू प्रोडक्ट्स देश ही नहीं दुनिया में भी धूम मचा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। साथियों, आज से 90 साल से भी अधिक समय पहले अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर बैंबू को वृक्ष की कैटेगरी में डाल दिया था, ट्री की कैटेगरी में डाल दिया था। ये कानून प्राइवेट जमीन पर उगाए गए बैंबू को काटने, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाता था। आजादी के बाद भी 70 साल तक ये कानून ऐसे ही चला। इस वजह से किसानों को, ट्रेडर्स को, बैंबू इंडस्ट्रीज को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने आपकी इन परेशानियों को समझा और ये कानून बदल दिया। इसका बहुत बड़ा लाभ असम में बैंबू क्राफ्ट से जुड़े लोगों को, किसानों को, उद्यमियों को हुआ है। अब बैंबू का प्लांटेशन हो, वैल्यू चेन बनाना हो, बैंबू बेस्ड प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो, सरकार सभी में सहयोग कर रही है। असम सरकार ने भी बैंबू और केन के लिए विशेष पॉलिसी भी बनाई है और इससे जुड़े छोटे उद्योगों के लिए विशेष जोन बनाने के लिए भी पहल की है। यही तो है डबल इंजन की सरकार की ताकत। साथियों, वो दिन कौन भूल सकता है जब कांग्रेस सेंटर में भी थी और असम में भी थी। तब नेगलेक्ट भी डबल था, क्योंकि असम के लोगों की ना राज्य में सुनवाई थी ना केंद्र में सुनवाई थी। तब करप्शन भी डबल था, क्योंकि कांग्रेस के स्थानीय नेता को भी कट देना होता था और केंद्र के नेता को भी बंडल के बंडल पहुंचाने पड़ते थे। तब घुसपैठिए भी डबल थे, क्योंकि राज्य सरकार को भी वोट बैंक खड़ा करना था और केंद्र सरकार को भी वोट बैंक की पड़ी थी। अब जब केंद्र में एनडीए सरकार है और राज्य में भी एनडीए सरकार है, तो डबल इंजन की ताकत असम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अब हाईवे बनाने पर डबल ताकत से काम हो रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भी असम को देश से जोड़ रही है और केंद्र सरकार भी इस काम में पूरी ताकत लगा रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पीड भी डबल है, क्योंकि राज्य सरकार भी विकास में जुटी है और केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। अब हर सिर को छत और हर घर को जल जैसे काम भी डबल फोर्स से हो रहे हैं। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की ताकत इसमें मिलकर के काम कर रही है। इसलिए असम के लोगों को कांग्रेस के लूट के इंजन को दूर ही रखना है। 50 साल से ज्यादा असम पर राज करने वाले लोग आजकल असम को 5 गारंटी दे रहे हैं। असम के लोग इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इन लोगों को झूठे वायदे करने की, झूठे घोषणा पत्र बनाने की आदत पड़ गई है। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो, यही कांग्रेस का हमेशा से सत्ता में रहने का फॉर्मूला रहा है। आपको याद रखना है, कांग्रेस मतलब झूठे घोषणा पत्र की गारंटी।
कांग्रेस मतलब कंफ्यूजन की गारंटी, कांग्रेस मतलब अस्थिरता की गारंटी, कांग्रेस मतलब बम बंदूक और ब्लॉकेड की गारंटी, कांग्रेस मतलब हिंसा और अलगाववाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, घोटालों की गारंटी, भाई भतीजेवाद की गारंटी। भाई और बहनों, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के कांग्रेस नेताओं को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, वो चाहे कैसे भी मिल जाए। असल में कांग्रेस का खजाना अब खाली हो गया है, उसे भरने के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। कांग्रेस की सिर्फ कुर्सी ही दोस्त है, कुर्सी के सिवा उसका कोई दोस्त नहीं है, न विजन है, न संकल्प है, न कुछ करने का इरादा है, बस कुर्सी हथियाना, कुर्सी से दोस्ती, यही उनका कारोबार है। अब देखिए, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में जिनके साथ इनका गठबंधन है, वो पश्चिम बंगाल में इनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, केरल में लेप को गाली देते हैं, पश्चिम बंगाल में कुर्सी की आस में लेप को गले लगाते हैं, खुद को सेक्युलर बताते हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और केरल में संप्रदाय के आधार पर बने दलों के साथ दोस्ती करते हैं। सत्ता के सामने इनको कुछ नहीं दिखता, इसी कारण अब कांग्रेस के लोगों की बातों पर देश में कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। भाइयों और बहनों, असम ने तो इनको बरसों तक परखा है, असम के मूल निवासियों के साथ कांग्रेस का क्या रवैया रहा है वो आपसे बेहतर कौन जानता है। यहां के मूल निवासी कब से जमीन का अधिकार मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने दिया ही नहीं। ये एनडीए की सरकार है जिसने 3.25 लाख से ज्यादा जमीन के पट्टे दे दिए हैं, बाकी भी बहुत जल्द लोगों को मिल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस ने चाय बागान में काम करने वाले परिवारों को भी बरसों तक अभाव में रखा। बीते 5 सालों में भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने टी गार्डन में काम करने वाले साथियों की पढ़ाई, कमाई और दवाई से जुड़ी जरूरतों के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं। चाहे राजनीति के साथियों, चाहे उनके लिए राजनीति का रास्ता है, चाय पर राजनीति करने की उनकी आदत है, लेकिन ये न भूले, चाय जनजाति के साथियों और इस जनजाति से निकली महान विभूतियों को मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, और दिल्ली की सरकार हो, असम की सरकार हो, हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है। टी गार्डन्स में काम करने वाले श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़े, इसके लिए भी असम सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस सरकार में 2 बार श्रमिक साथियों की दैनिक मजदूरी बढ़ाई गई है। ये मामला कोर्ट में इसलिए और कुछ मुश्किलें जरूर आ रही है, लेकिन असम में एनडीए की सरकार दोबारा बनने के बाद इस दिशा में और तेजी से कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि जितना काम असम में चाय बागान में काम करने वाले लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने किया है, उतना किसी ने भी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने भी इस वर्ष के बजट में 1000 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान टी गार्डन में काम करने वाले साथियों के लिए किया है। भाइयों और बहनों, बीते 5 साल में हमने असम के विकास को नई रफ्तार दी है। इस बार एनडीए के उम्मीदवारों को, इन सभी साथियों को मिला हुआ हर वोट असम के तेज विकास के लिए वोट होगा। एनडीए को मिलने वाली ताकत
असम की आत्मनिर्भरता को ऊर्जा देगी। एनडीए को मिलने वाला हर वोट यहां उद्योग और रोजगार के अवसरों को और बढ़ाएगा। अखमोर समूह, रायजोक, आगंतुक, रंगोली, बिहू, सर्वेक्षा और उलोग जैसे इतनी कड़ी धूप में, इतनी बड़ी तादाद में आपका आना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए को आपकी सेवा करने का 5 साल का दोबारा मौका आप देना आपने तय कर लिया। मैं आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वसरी बुलेटिन को एट रखु, नमस्कार।